नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो जो है एक पाम रीडिंग होने वाली है और एक व्यूअर ने हमारे साथ अपना हाथ शेयर किया है और मेनली जो इनका क्वेश्चन है वो है पढ़ाई को लेकर, क्या ये अब्रॉड जा पाएंगे, बाहर जा पाएंगे, क्या अपनी स्टडी को बाहर कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर बाहर जाकर पढ़ाई कर पाएंगे। तो कुल मिला के इन्होंने कैरियर के बारे में अपना पूछा है, तो ये वीडियो आपसे रिलेट कर सकती है। पूरी वीडियो को देखें। अगर आप अपना पाम रीड करना चाहते हैं तो हमारे हर वीडियो में व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया होता है, आप उसको फॉलो करके हमारे साथ जुड़कर अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फिंगर्स की लेंथ देखेंगे और उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में जो है लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह हम पूरा प्रेडिक्शन कंप्लीट करेंगे, साथ में मैं ड्रॉ करता जाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, एक अच्छा सा कलर लेते हैं। चलिए देखिए, हाथ जो है पूरा स्क्वेरिश बन रहा है अपनी स्क्रीन पर। आप जो हाथ देख रहे हैं पिक काफ़ी क्लियर है, तो जो स्क्वेरिश है हाथ है पूरा और कह सकते हैं कि मेहनत काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। सॉरी। और जो फिंगर्स की लेंथ है आपको काफ़ी अच्छी दिख रही होगी, मतलब कह सकते हैं कि हाथ हथेली का साइज और फिंगर्स का साइज अप्रॉक्स यहाँ पर कह सकते हैं ठीक ठाक है। फिंगर ज़्यादा छोटी नहीं है और जो लेंथ है काफ़ी अच्छी यहाँ पर है, तो कामयाबी जो है ऐसे जातक को मिल जाती है। और ऐसे जातक कह सकते हैं कि जिन जिन चीज़ों को चाहता है वो धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है, क्योंकि लेंथ जो है काफ़ी अच्छी फिंगर्स की मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए एक्चुअल में फिंगर्स की अब लेंथ को चेक करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो ब्रश, सभी फिंगर जो हैं लंबी हैं और जो बृहस्पति की फिंगर भी ठीक ठाक है, ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव फिंगर इनकी दिख रही है वो यहाँ पर सूर्य की है। सूर्य की फिंगर जो है कह सकते हैं कि बृहस्पति से हल्की सी आपको बड़ी नज़र आ रही होगी। तो ऐसे जातक में आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं और कह सकते हैं कि ऐसे जातक का जो भाग्योदय होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं 25 के बाद रहते हैं। जब ऐसे जातक 25 साल का हो जाता है तो उसके भाग्य उदय होने के चांसेस यहाँ पर होते हैं। तो फिंगर्स के हिसाब से मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो यही मुझे नज़र आ रहा है। और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी ऐसे जातक में रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, लेकिन ऐसे जातक में आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सूर्य की फिंगर काफ़ी अच्छी यहाँ पर है। सूर्य की फिंगर अच्छी होती है तो कह सकते हैं कि जो नाम और फेम मिलता है काफ़ी अच्छा मिलता है, और नाम तो फेम अच्छा मिलता है, साथ में कह सकते हैं कि नाम फेम अच्छा मिलता है। और बृहस्पति की फिंगर जो है वो वाहिक क्षेत्र को यहाँ पर बताती है, तो नाम फेम आसानी से इनको मिल जाएगा धीरे धीरे, जैसे ही आगे लाइफ इनकी पार होगी 25 के बाद। मैंने जैसे प्रेडिक्ट किया है इनका भाग्य उदय होने के चांस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। जो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है जो बुध की फिंगर है वो भी यहाँ पर इक्वल फर्स्ट बैलेंस को यहाँ पर पार करती हुई नज़र आ रही है, तो ऐसे जातक में बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी रहती है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जिस जातक की जो ये वाली फिंगर जो बुध की फिंगर अच्छी होती है वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होते हैं ऐसे जातक, मतलब पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं, क्योंकि ऐसे जातक में बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी रहती है, या फिर वो इसके इक्वल हो जाए या फिर इससे बड़ी निकल जाए, तो ऐसे जातक पढ़ाई में काफ़ी अच्छे रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हो गया, फाइल को अरेंज करने का काम हो गया, ऐसे जातक इन सब कामों में काफ़ी अच्छे रहते हैं, और कुल मिला के बौद्धिक क्षमता ऐसे जातक में काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे जातक में बोलने की क्षमता काफ़ी अच्छी रहती है, किसी बात को व्यक्त करने की या फिर कह सकते कि मेंशन करने की क्षमता काफ़ी अच्छी ऐसे जातक में रहती है। तो शनि की फिंगर भी आपको ठीक ठाक है, एवरेज नहीं है मैं कहूँगा, लंबी है तो अच्छे फल देने वाली है। फिंगर्स में मुझे कमी कोई नज़र नहीं आ रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम माउंट्स को चेक करते हैं, माउंट्स इनके बारे में क्या यहाँ पर बता रहे हैं। जो माउंट्स की प्लेसमेंट है कुछ ऐसी आपको दिखेगी, और कोई जो है माउंट यहाँ पर लो सेट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और माउंट्स यहाँ पर ज़्यादा दबे हुए नहीं है, सभी माउंट जो है फ्लैट आपको नज़र आएंगे और सभी माउंट्स पर जो है आपको अच्छी लाइनें यहाँ पर दिखेंगी। चलिए अब देखते हैं। देखिए पहले अगर बृहस्पति माउंट की बात करें, थोड़ा सा फ्लैट में है, इसके ऊपर आपको लाइनें यहाँ पर ऐसी दिखेंगी जो यहाँ पर बताती हैं कि वल्ले की स्ट्रक्चर यहाँ बनाती है। जातक सामाजिक कार्य काफ़ी अच्छी करता है, धर्म से जुड़ा हुआ इंसान रहता है, धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान होता है, और ऐसे जातक में दया भावना काफ़ी अच्छी है ऐसे जातक में
रहती है, तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है लाइनों को होने से। कोई क्रॉस वगैरह का साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो जो माउंट है थोड़ा सा फ्लैट है लेकिन अच्छे फल देने वाला, इस पर कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर बात करें शनि माउंट की, शनि माउंट मैंने आपको बताया था कि इनका अच्छा है, आपको अच्छे फल देने वाला है, लेकिन जो माउंट है थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो हल्का सा वैराग्य आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो माउंट है थोड़ा सा फ्लैट है और फिंगर भी थोड़ी सी हल्की सी आपको सूर्य की तरफ हल्की सी टिल्ट होती हुई आपको नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा वैराग्य ऐसे जातक में रह सकता है। और अगर बात करें सूर्य फिंगर की, सूर्य माउंट की, तो अच्छा फल देने वाला है, इसके ऊपर आपको सूर्य रेखा भी नज़र आएगी जो यहाँ पर 45 या जो बड़ी सूर्य रेखा, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ पर जो सूर्य रेखा आपको बनती हुई नज़र आ रही है कुछ यहीं तक आपको बनती हुई नज़र आएगी, और ये सूर्य रेखा जो है 45 के बाद अपना असर दिखाना चालू करती है, तो 45 के बाद जो है इनका मान सम्मान काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और फेमस होने के चांसेस यहाँ पर जातक रहते हैं। 45 की एज के बाद मान सम्मान बढ़ता है, और एक वल्ले भी आपको बनता हुआ नज़र आएगा, देखिए जो कडल ऑफ वीनस बनता है, ये पूरा नहीं है, पार्शली बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बन रहा है, और जो बल्ले है तो हाथ में आपको कड़ल और विनस बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर देखिए ड्रॉ करता हूँ, लेकिन ये पार्शली बन रहा है, पूरा नहीं बन रहा है, तो इसके प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे, और अगर पूरा बनता तो इसके फायदे ज़्यादा होते, और ऐसे जातक के जो गुण होते हैं, ऐसे जातक जो अपने में थोड़ा सा रहना पसंद करता है, थोड़ा सा अकेलापन ज़्यादा जातक को पसंद होता है, और अगर जिसके हाथ में एक कड़ा वीनस बनता है तो शुरुआती एज में, शुरुआती कालों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इन जातक को रहती है, और परिवार से कह सकते हैं मेनली जो है गरीबी की समस्या रहती है, और परिवार में प्रॉब्लम रहती है ऐसे जातक को, निचले स्तर से ऐसे जातक उठता है, तो कड़ा वीनस ये बताता है, लेकिन ऐसे जातक में एक्सपीरियंस की भावना काफ़ी अच्छी रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम अब बुध माउंट को देख लेते हैं। बुध का माउंट जो है थोड़ा सा स्पेस कम है इसकी, तो यहाँ पर बिजनेस माइंडेड ऐसा नहीं जातक लगता, बिजनेस माइंड के ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बनती हुई मुझे नज़र आ रही है, और कुल मिला के जो है यहाँ पर पढ़ाई ही दिख रही है। तो जैसे इनका क्वेश्चंस था, क्वेश्चन जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो इनका जो सूर्य है काफ़ी अच्छा है, सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी है, सूर्य के ऊपर लाइनें भी काफ़ी अच्छी हैं, तो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है और बुध भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर सूर्य और बुध अच्छा है तो यूपीएससी की तैयारी और हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। लेकिन आगे हम लाइनों को चेक करेंगे, चांसेस कितने हैं क्लियर करने के। चलिए आगे हम लाइनों को अब चेक करते हैं, लाइनें इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रही है। देखिए पहले थोड़ा सा मैं जूम करूँगा, इनके पहले लाइफ लाइन को चेक करेंगे, लाइफ लाइन क्या बता रही है। लाइफ लाइन कुछ ऐसी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है यहाँ पर, और कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है, यहाँ तक ही यहाँ पर शो हो रही है, और शुरुआती एज में यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कह सकते हैं कि 15 के बाद ही यहाँ पर नज़र आ रही हैं, या फिर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही हैं हेल्थ रिलेटेड इशूज़, क्योंकि लाइन है वो डबल हो रही है। देखिए शुरुआती एज में काफ़ी ज़्यादा बीमार ऐसे जातक रहता है, और यहाँ इस कड़ल ऑफ विनस से भी ये नज़र आ रहा था कि शुरुआती एज में कुछ प्रॉब्लम्स थी इनकी लाइफ को लेकर, और मेनली लाइफ लाइन को लेकर हेल्थ रिलेटेड इशूज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लाइनें आपको देखिए डबल बनती हुई नज़र आएगी, पर जब यहाँ पर अप्रॉक्स 24-23 या फिर कह सकते हैं 25 साल पार करा जाता है, तो उसके बाद लाइन अच्छी हो रही है, उसके बाद लाइन जो है कुछ ऐसी काफ़ी डार्क और हेल्थ रिलेटेड इशूज़ कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। शुरुआती एज में प्रॉब्लम इनको रही होगी, लेकिन उसके बाद कोई लाइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। एक आपको ऑफशूट आपको दिखाऊंगा, एक बड़ा ऑफशूट यहाँ पर बनता हुआ इनको दिखेगा। देखिए पहले तो इनकी लाइफ ऐसे कुछ चल रही है, उसके बाद एक बड़ा ऑफशूट आपको देखा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डीप है, और ये जो ऑफशूट यहाँ पर बन रहा है अप्रॉक्स यहाँ पर 30 साल की एज में, यहाँ पर कह सकते हैं 30 से 35 के बीच में ये ऑफशूट बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस एज में एक इनका लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस और काफ़ी ज़्यादा उन्नति इनको देने वाला है ये ऑफशूट, और उन्नति कोई भी हो सकती है, लेकिन ये ऑफशूट काफ़ी ज़्यादा गहरा है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर नज़र मुझे आ रहा है और काफ़ी अच्छा ये बेनिफिट देने वाला है। और एक ऑफशूट तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, एक ऑफशूट आपको हल्का सा यहाँ पर और हल्का से यहाँ पर, देखिए इतने सारे ऑफशूट आपको नज़र आएंगे छोटे छोटे। तो कुल मिला के जो इनका गोल्डन पीरियड है
और 25 के बाद ही शुरू हो जाएगा। 25 के बाद जो है एज काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है, लाइफ लाइन से भी दिख रहा है, और लेकिन लाइफ जो है ज़्यादा लंबी यहाँ पर नज़र मुझे नहीं आ रही है, लेकिन लाइनें बदलती हैं, लेकिन जो लाइफ लाइन है कुछ यहीं तक यहाँ पर बनती हुई आपको नज़र आएगी। ये जो एज बन रही है बस 60 साल तक यहाँ पर बन रही है, उसके बाद देखते हैं कंटिन्यू होता है कि नहीं, लेकिन अभी जो प्रोटेक्शन कर रहा हूँ 60 एज तक इनकी लाइफ यहाँ पर जाती मुझे नज़र आ रही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम कैरी लाइन को चेक करते हैं। कैरी लाइन कुछ ऐसी बनती हुई नज़र यहाँ पर ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है, और कुछ चंद्र पर्वत से स्टार्ट होती हुई और आगे हल्की सी यहाँ पर बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। देखिए जो ये लाइन है ये बताती है कि शुरू से ही परिवार से जुड़ा हुआ इंसान परिवार से ही तरक्की करता है, पारिवारिक सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद जब अपने टाइम आता है तो उसके बाद प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही है। इसमें कोई कट वगैरह नहीं है, कोई ऐसी लाइन मुझे नज़र नहीं आ रही है जो यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी इनको करे। एक लाइन आपको ऑफशूट यहाँ पर सूर्य से मिलती हुई आपको दिखेगी, और ये भी यहाँ पर कम से कम 25 के बाद ही बन रही है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कोई यहाँ पर बाधा नज़र नहीं आ रही है। तो कुल मिला के देखिए लाइनें से मुझे नज़र आ रहा है कि हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं, लेकिन और यहाँ पर चांसेस यहाँ पर ऑफशूट जो बन रहा है ये चांसेस यहाँ पर कामयाबी के हो सकते हैं। हायर स्टडी के लिए जब चांसेस हैं ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पर चांसेस यहाँ पर क्लियरली बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम इनकी जो है माइंड लाइन को चेक करेंगे। माइंड लाइन कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई यहाँ पर डिफ़िकल्टी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, और इस पे कोई क्रॉस वगैरह का साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हल्के से कट यहाँ पर दिखेंगे आपको जो थोड़े से तनाव दे सकते हैं, मानसिक तनाव यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन शुरुआती एज में थे, उसके बाद कोई यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। हल्का सा सिर दर्द इनको रह सकता है, क्योंकि इस एज में देखिए मैं थोड़ा सा जूम करूँगा, इस एज में कुछ यह एक यव का साइन आपको बनता हुआ आपको नज़र आएगा देखिए यहाँ पर, और ऐसा ही आपका साइन किसी भी लाइन पर अच्छा नहीं माना जाता, और ये आपका साइन जो है इनको मानसिक तनाव और सिर दर्द संबंधी कोई बीमारी ऐसी दे सकता है। तो ये जो एज बन रही है कम से कम मिडिल बन रही है, 40 के एज के बाद ही बन रही है, 40 कह सकते हैं 35 के बाद ही बन रही है, इसमें इनको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी हॉट लाइन को चेक करेंगे। हॉट लाइन के बारे में क्या बता रही है, हॉटलाइन कुछ है बाई फोर्क से एक यव के साइन से स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी। देखिए आपको यहाँ पर एक यव का साइन बनता हुआ नज़र आएगा, यहाँ से स्टार्ट होती है आपको विष्णु सिंबल बनाती हुई नज़र आएगी। देखिए ये भी चांसेस होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। देखिए कुछ लाइनें जो हैं ये तो प्रॉपर है, लेकिन कुछ लाइनें हैं जो बृहस्पति पर्वत तक पहुँच जाती हैं, ये भी हायर स्टडी को हायर पोस्ट को बताती हैं। अगर जातक बहुत ज़्यादा मेहनत करे तो हायर स्टडी और हायर पोस्ट पर पहुँच सकता है, ये भी साइन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ऐसे जातक को करता है। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, इनके अंदर एक कड़ला विनस बन रहा था जो लाइफ लाइन पर शुरुआती प्रॉब्लम, जो शुरुआती एज में प्रॉब्लम यहाँ पर बता रही थी, वही यहाँ पर हार्ट लाइन में भी दिख रही है। शुरुआती एज में काफ़ी दिक्कतें इनको रही हैं, मतलब बचपन से लेके कह सकते हैं 20 साल तक ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रही हैं, या फिर अभी भी प्रॉब्लम चल रही हैं, और लेकिन उसके बाद जो है जब ये 23-25 क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद चीज़ें इनके लिए अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर कोई मुझे लाइन कट वगैरह या फिर कोई अभी आपका साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। देखिए इनका क्वेश्चन मेन ये था कि क्या बाहर अब्रॉड में स्टडी कर पाएंगे, तो यहाँ पर चांसेस मुझे जो है यहाँ पर क्लियर पिक नहीं है, जो चंद्र पर्वत की क्लियर पिक यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, ना ही मुझे कोई लाइन ऐसे दिख रही है, लेकिन स्टडी में काफ़ी अच्छे हैं, और UPSC वगैरह की अगर हायर स्टडी ऐसे मतलब ऐसी जॉब की यहाँ पर तैयारी करें तो उसमें कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। एक मंगल रेखा भी आपको दिखेगी, ये भी बेनिफिट करेगी। मिला के एक प्रेडिक्शन थी मेरी, आपको कैसी लगी वीडियो, अगर आप क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो हमें व्हाट्सएप पर जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।